चल। नहीं, जब तक हमारी काशी नहीं आती हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। शिव भाई आप परेशान मत होइए, काशी आती ही होगी। आप समझ नहीं रही पेशविन भाई, काशी के लिए स्थान बिल्कुल नया है, वो ऐसे बाहर अकेली कभी नहीं जाती। यदि उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वो बाजीराव बल्ला भट्ट की पत्नी है और बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा काजी करुणा का। भाऊ काशी, हाय काशी, काशी कुंडिया होती तू? हम कुछ पूछ रहे हैं काशी, कहाँ थी? आप इसके रथ से अपने हाथ गंदे मत कीजिए, किसी को उसके पाप का दंड देना तो भगवान का कार्य है। जानता हूँ, इसीलिए तो इसकी मुलाकात भगवान से करा रहा हूँ, फिर ये जाने और वो जाने। तो जीवित रहेगा या नहीं इसका निर्णय मैं तेरे भाग्य पर छोड़ रहा हूं। यदि तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तू इस तोप के साथ उड़ जाएगा, यदि तेरा भाग्य बुरा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। चलिए काशी। ये क्या हालत बना के रखी है बाजी? तुझे चोट कैसे आई? हाँ कहाँ थे तुम दोनों, सच सच बता। अरे कुछ नहीं आई, वर्षा के कारण मंदिर के पास कीचड़ और फिसलन हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और फिसल गया। मंदिर? वो आई जब नई शिशु ने जन्म लिया था, तब उसकी हृदय की धड़कन बंद थी, तब हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि उसकी धड़कन फिर से आरंभ हो जाएगी तो हम सुबह सुबह गांव के सारे मंदिरों की परिक्रमा करेंगे, पर रात को सब देर से सोए थे इसीलिए हम अकेले ही चले गए, पर उन्होंने हमें जाते हुए देख लिया और वो भी हमारे साथ चले आए। मंदिरों की परिक्रमा में ऐसी हालत कैसी हो गई? जाओ देना शिव भाई, काशी आ गई ना, और मैंने क्या कहा था, बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। अब आप शांति से जलपान कीजिए, गोटे आप चुनना, शिव भाई साहब के लिए जलपान का प्रबंध करो, तब तक मैं बाजी के चोट पे औषधि लेप लगाती हूँ। काशी तू
तुम मेरे साथ चलो, तुम भी सीख जाओगी औषधि लेप कैसे बनाते हैं। हाँ, यदि काशीवाहिनी लेप बनाना सीखेंगी तो मुझे भी लेप बनाना सीखना है। चला चल। वो लेप लगा लेंगे, आप सासुड़ की सर्वोत्तम जिलेबी का आनंद लीजिए। मेरे ससुराल से आई है या 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 या। नासिर ने इसका अपहरण कर लिया और इतनी बड़ी बात तूने इसको मुझसे छुपाने के लिए कही बाजी? क्यों, कितनी डर गई है बेचारी, अपने मन की बात मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? आई जो विपत्ति टल गई उस पर बात करके क्या फायदा, और मैंने ये बात तुझसे इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे ये बात पता चले, वरना तू व्यर्थ में चिंता का भार लेकर घूमती रहेगी। अपने बेटे की चिंता करना माँ के लिए भार नहीं होता, दायित्व होता है, और अपनी बहू की चिंता करना दायित्व नहीं धर्म होता है। काशी मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं है, बेटी से भी बढ़कर है। जानता है क्यों? क्योंकि इसकी आई को मुझे जवाब देना होता है। अगर आज इस पे एक खरोच भी आ जाती ना तो शिवबाई के सामने हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाता। आई, भाव ने काशी वहिनी को बचा कर लाया था और तू भाव को ही डांट रही है? तुझे तो काशी वहिनी को डांटना चाहिए। सुबह सुबह बिना बताए इस घर से बाहर चली गई थी। मैं तो बिना बताए किसी के कक्ष में भी नहीं जाती। अच्छा, काशी की रक्षा करके तेरे भाव ने कोई महान कार्य नहीं किया है? योद्धा है, नारी की रक्षा करना दायित्व है इसका। तो भाव ने अपना कर्तव्य निभाया ना? एक योद्धा ने अपना कर्तव्य निभाया पर एक पति ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसके होते हुए भी काशी ने स्वयं को इतना अकेला महसूस किया कि घर से अकेले ही बाहर जाना उसको उचित लगा, तो उसके लिए जिम्मेदार तू है बाजी। विश्वन भाई काशी और बाजी से इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? हम देख कर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी गरम गरम भजिया को छोड़कर खड़े नहीं होते, पाप लगता है। होगा कू, आप यहीं रुकिए, हम देख कर आते कि वहीनी को इतना विलंब क्यों हो रहा है। काम, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोग हमें अपनी पुत्री से मिलने नहीं देना चाहते? हम अब जो खाएंगे अपनी पुत्री के साथ ही खाएंगे, तुम लोग यहाँ रुको। आई, मैंने काशीबाई से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो शिशु के जन्म में इनकी सहायता का धन्यवाद करने आया था, पर इन्होंने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। क्योंकि इन्होंने हमें रोती सुंदरी कहा था। वो तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। कपस, बीच में मत बोलना भीउ। अब समझा समस्या क्या है? हाँ, संबंध में स्वाद आवश्यक होता है बाजी। काशी को क्या पसंद नहीं ये बाजी को पता नहीं, और बाजी को क्या पसंद है ये काशी को पता नहीं। विवाह में एक दूसरे को जानना आना चाहिए बाजी, इतना तालमेल होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या कहना है ये बोल के बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं क्योंकि विवाह के बाद शरीर तो दो होते हैं पर मन एक होता है। इसकी इच्छा, इसकी भावनाओं को समझ और उनका सम्मान कर। आई, मैंने काशीबाई की इच्छा का सम्मान किया, इसीलिए मैंने नासिर के जीवन का निर्णय स्वयं नहीं लिया, भाग्य पर छोड़ दिया।
पर आई, इन्हें भी तो मेरी इच्छा और मेरे निर्णय का सम्मान करना चाहिए ना। यदि दोबारा काशीबाई में मेरे और मेरे स्वराज के लक्ष्य के बीच आई तो मैं सब भूल जाऊंगा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी नहीं करता, इसीलिए जहां भी जाता हूं जल्दी जाता हूं। क्या बोल रहे थे वो? कैसा लक्ष्य? साउथ है ना शिव भाई, बाजी क्या बोलता रहता है किसी की समझ में नहीं आता। जाऊदे आप बैठिए। ईश्वर भाई, पेशवा साहेब यहाँ पर है नहीं, और आपकी स्थिति ऐसी है नहीं कि आप अधिक श्रम कर सके, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहाँ रुककर नामकरण की सारी तैयारियां करेंगे। होगा? आहो, पर आहो, आप अभी पेशविन भाई हैं, शिशु के जन्म पर मोटा उत्सव करना होगा, सारे सम्राटों को आमंत्रण देना होगा, और ये सब करने में हम आपकी सहायता करेंगे। आखिर हम एक परिवार जो है। होगा? फिर तो बहुत मजा आएगा। हो बरा, आप हमारे साथ समय बिताएंगी तो इससे बड़ी भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। अवश्य थांबा। आई को खाने में घी वाली खिचड़ी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी दे देना, इसमें लौह तत्व होता है जो हमारे शरीर में रक्त वृद्धि में सहायक होता है। ये सब कुछ तुझे कैसे पता काशी? आई, रसोई में गुड़ कहाँ है ये तो हमें पता होगा ही। हमने भीयू के साथ मिलकर पूरी रसोई को अपने हाथों से जो सजाया है। तूने क्यों लगाया काशी? नंदिनी को बोल देती वो लगा देती। आई कहती है कि जो कन्या अपने हाथों से पूरे घर को सजाती है उसके घर में लक्ष्मी बसती है। पर तुझे ये कैसे पता कि पेशविन भाई के स्वास्थ्य के लिए गुड़ अच्छा है? जमुना अप्पा के पास संसार की सारी पुस्तकें, हम उनकी पुस्तकें लगा रहे थे तो लगाते लगाते एक आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ भी ली, उसी में लिखा था। जिस बच्ची से हमने कभी तिनका भी नहीं उठवाया पेशविन भाई उससे घर का काम करवा रही है, और उसे ये विश्वास भी दिला दिया है कि घर का काम करना अच्छी बात है। क्या सोच रही है आई? काई नहीं। काशी, अब यहां कोई नहीं है, हमें सच सच बता कि बाजी को चोट कैसे लगी, बता काशी। उन्होंने बताया तो था। पेशविन भाई ने इन चार दिनों में क्या पाठ पढ़ा दिया तुझे कि तू अपनी आई से झूठ बोलने लगी? हम वह दिन रात चिंता में रहते कि तू पराए घर में कैसे घुलेगी मिलेगी। काशी, यदि तू हमें सत्य नहीं बताएगी तो हम तेरी सहायता कैसे करेंगे? बोल ना काशी, बोल। आई, ना हमको सहायता की आवश्यकता है और ना ही आपको हमारी इस घर में घुलने मिलने की चिंता करने की। आई, हम यहाँ दूध में मिश्री की तरह घुल गए, और एक बार मिश्री दूध में घुल जाए तो उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। अब हमारा और इस परिवार का भी अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों एक हैं। आई हमारा बहुत ख्याल रखती है, अपने पुत्र से भी अधिक।
पेशविन भाई ने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी हमारी बच्ची को। उनकी और बाजी के विरुद्ध एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, और हम भी इसकी आए हैं। इससे सत्य निकलवा कर ही रहेंगे हम। कोठा चमना, तुम दोनों मेरे साथ आओ। कोटिया, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और सावधान रहना। हो बाजी। आपने कोटिया भाव को कहाँ भेजा? नामकरण के उत्सव के काम से भेजा है। आप कुछ और योजना तो नहीं बना रहे ना? नहीं। विशेष रूप से तेरे लिए मोदक लेकर आए, पर इस घर में इतने सारे बालक हैं कि हम तो डर गए कि पता नहीं ये मोदक तेरे लिए बचेंगे या नहीं। आई, आपके बनाए मोदक तो होते ही विशेष है। इस बार इनका स्वाद थोड़ा अलग है, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। हम तुझे और मोदक देंगे, पर तुझे हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। आप पूछ के तो देखिए, हम आपको एकदम सही उत्तर देंगे। एक बात बता काशी, बाजी की सब ऐसी वीरता का बखान करते हैं, ये सचमुच में वो महावीर है? मंजी, किसी उत्सव में किसी को हरा देना तो अलग बात है, पर वास्तविक युद्ध में कुछ कर पाते हैं या नहीं? आई, वो महावीर है। हमने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से 8-10 लोगों को युद्ध में पराजित करते हुए देखा है। अच्छा, अरे ये सब कुछ तूने कब देखा अपनी आंखों से? आई, वो कीचड़ में नहीं गिरे थे, बल्कि उन्होंने हमारी रक्षा की थी। नासर की आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, उसने मेरे कारण आपका अपहरण किया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत पीड़ित हैं, पर आपको ये पीड़ा स्वयं तक ही रखनी होगी। कल घर में नए शिशु का जन्म हुआ है, आई को अभी हर तनाव हर चिंता से दूर रहना होगा। इसीलिए आप हमें वचन दीजिए कि आप इस घटना के बारे में आई को कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें तो ये आशा भी नहीं थी कि आप हमें बचाने आएंगे, पर आपने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आपकी आई हमारी आई है, और हम अपनी आई को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए जब तक आप अपनी आई को कुछ नहीं बताएंगे, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई? पेशविन भाई और बाजी ने भी कुछ नहीं बताया, हमारा तुझ पर कोई अधिकार है या नहीं? हम अभी जाकर उनसे उत्तर मांगते हैं। उनसे कुछ मत कहना, वो भी बहुत कमजोर है, पर कमजोरी में भी आई ने उन्हें बहुत डांटा। आप उनके पास जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और यदि आपने इनसे कुछ कहा तो ये क्रोध में आके न जाने क्या कर देंगे। आप इन्हें कभी मत बताना कि हमने इन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया। पर काशी, हमें उनसे बात करनी होगी। आई, आपको हमारी सौगंध। वो देखो, नम्रता आणि नंदनी ताई तुम्हारे लिए चादर तैयार कर रहे हैं। उसी चादर पर दूध उलट देना। पियू, काशी हो गया? जी आई। हाँ, अब लिखना
एकनाथ जी वेलणकर, पिलाजी शिंदे, कृष्णचंद्र, वसंतराव। आई? हाँ, ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं। पर आई, जिन्हें हम जानते ही नहीं उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? व्यर्थ में धन बर्बाद करने का क्या औचित्य है? आप लोग पेशवा साहेब का परिवार है, आपका हर उत्सव विशाल और भव्य होना चाहिए। राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहेब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहेब, इन सब चीजों से नहीं। जनता के सामने संपन्नता की मिसाल रखने के लिए तो कितने सारे धन कुबेर बैठे हैं। पेशवा साहेब के परिवार को तो सादगी की मिसाल रखनी चाहिए। आई, तूने ही तो हमें सिखाया था ना कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, और आज तू ही वो आदर्श भूल रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नमस्ते। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक है उस अच्छे कर्म का प्रचार करना, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके। मात्र आदर्शों से तो आश्रम चलते हैं, राज्य नहीं। पेशवा साहिब के पास तो साम दाम दंड भेद हर शक्ति होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं राज्य चलाने के लिए राजा को चाहिए कि किसान को भी प्रसन्न रखे और कुबेर को भी। धनपतियों का व्यापार उन्नति करता रहे तो सदा पेशवा साहिब से प्रसन्न रहेंगे। और रही बात सहायता की, तो कोई भी पेशवा साहिब की सहायता तभी करेगा जब उन्हें उनके आदर्शों पर विश्वास रहे। और जिसे विश्वास है उसे दिखावे की क्या जरूरत है? बाजी, तू इन सारी बातों के बारे में मत सोच, हम पर छोड़ दे। हाँ, हम संभाल लेंगे। हमने इसीलिए कुमुद को यहाँ बुलाया है। इन सब कामों में कुमुद की बुद्धि बहुत तेज चलती है। उल्लास भाव, विठल काका, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। ये सब कब हुआ? कल देर रात को, जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। अब पेशवा साहेब को बुलाइए। पेशवा साहेब तो यहाँ नहीं है, पर उनकी तरफ से मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आप सबके नुकसान की भरपाई की जाएगी। आप लोग आगे चलिए, मैं आकर आपके खेत देखता हूँ, पता तो चले कि आग लगी कैसे। जावई बापू, आप इनके नुकसान की भरपाई क्यों करेंगे? ये काम आपका नहीं है, और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय तो बस पेशवा साहिब ले सकते हैं। जब विपत्ति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है तो समाधान को भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये लोग पेशवा साहिब के घर उनसे सहायता मांगने आए हैं, और इन्हें सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इन्हें और इनके परिवारों को भूखा मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बाजी से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूं, वो अपने बाबा के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा है, जनता का भला करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भला उसे क्यों रोकूंगी।
पाजी से शत्रुता के कारण नासिर ने हमारी काशी को निशाना बनाया। इस बार दोनों ने इसे बचा लिया, पर मुगलों से इसी तरह संघर्ष करते रहे तो ना वो सुरक्षित रह पाएंगे और ना हमारी काशी। आग से खेलते रहो तो कभी ना कभी वो हमारा दामन पकड़ ही लेती। हमें इस आग के खेल को रोकना ही होगा, और वो भी बाबा के वापस लौटने से पहले, क्योंकि बाबा के वापस लौटने के बाद इन्हें बाबा की अगली मुहिम पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ताई, हमें पेशविन बाई की सहायता लेनी चाहिए। आज पेशविन बाई ने जिस तरह उन किसानों की सहायता करने के लिए बाजी को प्रोत्साहित किया, हमें नहीं लगता वो हमारी कोई सहायता करेंगी। और वैसे भी बाजी को बांध पाना पेशविन बाई की बस की बात नहीं है। जावई बापू आंधी है, उन्हें रोकने जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें अगर प्रेम से शांत करेंगे तो आंधी को हवा का झोंका बनने में देर नहीं लगेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताई कि सावई बापू स्वयं ही मुहिम पर जाने से इनकार कर दे। पर ये तो असंभव है, वो तो सोते जागते बस मुगलों से युद्ध और संघर्ष करने के ही सपने देखते। उन्हें अपने जीवन में अपनी तलवार से अधिक प्रेम और किसी चीज से नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें उनकी तलवार से अलग करना होगा। एक बार तलवार हाथ से छूटी तो गृहस्थी की डोर थमाना कठिन नहीं होगा। तेरा संदेह सही निकला, नासिर काव छोड़कर गया नहीं, और काम वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। पर ये बात आपको कैसे पता चली ईशु भाऊ? जैसे कि बाजी ने कोटिया से कहा था वैसे ही कोटिया ने मुझसे कहा, तो मैं गांव के बाहर नासिर को ढूंढने गया और मैंने देखा कि नासिर जीवित है, और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो मुगल सैनिकों ने उसके ही आदेश पर लगाई है। मैं उन्हें रोकना चाहता था पर वो संख्या में अधिक थे और उनके पास शस्त्र भी थे। नासिर ने मेरे परिवार, मेरे गांव वालों पर हमला करके मुझे चुनौती नहीं अपनी विनाश को न्योता दिया है। अब नासिर हमारे गांव वालों के नुकसान की भरपाई भी करेगा और यहाँ से ऐसा सबक भी सीख कर जाएगा कि वो दोबारा हमारी मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेगा। रुकिए, पहले हम आपके हाथ पांव धुलवा देते हैं। आप हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारी आई ने हमें सिखाया। मुझे बस हाथ पांव ही धुलवाने थे, स्नान नहीं करना था। भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, आप जल्दी जाके अपने कपड़े बदल लीजिए। Thank you.
आप यहाँ क्या कर रही हैं? कीजिए, हम अभी वहीनी से आपकी तलवार लाते हैं। सीढ़ी से गिरने के कारण आंतरिक चोट आई है। बालक को जब तक होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। बीयू, काशी बीयू को बाहर लेके जा। आप रहने दीजिए, मैं स्वयं अपनी बहन का ध्यान रख सकता हूं। चल भी हो। इस घर में एक चिमना अप्पा ही है जो हमें अपना मानते हैं, पढ़ने का सम्मान देते हैं। वो हमारे देवर भी है और मित्र भी, तो फिर हम उन्हें पीड़ा सहते हुए कैसे देख सकते हैं? ऊपर से ये सोचते हैं कि हमने चिमना अप्पा को धक्का दिया। हमने तो कभी कभी किसी दूसरी लड़कियों की तरह तितली भी नहीं पकड़ी कि तितली को कष्ट होगा। हम भला चिमना अप्पा को कैसे पीड़ा दे सकते हैं? हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगते हैं। हमारे चिमना अप्पा को बचा लीजिए।
चिमना को होश आ गया। चिमना, भगवान की कृपा से हड्डी नहीं टूटी, परंतु फिर भी विश्राम की पूर्ण आवश्यकता है, वरना परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चिमना, कैसे गिरा तू? हाँ, चोट कैसे आई बड़ा? गया था कहीं काशी भाई नहीं थे तुझे धक्का? नहीं भाव, वानी ने कुछ नहीं किया, बस हमारा ही पैर फिसल गया था। देवा, बाल बाल बची, अच्छा हुआ चिमना ने मुझे नहीं देखा। चिमना, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था, पता है डर से हम सबके प्राण ही चले गए थे। अब वैद्य जी की बात मानकर पूर्ण विश्राम करना। हमें चिमना को आराम करने देना चाहिए। हम ये तो चिमना को भले ही आपने धक्का नहीं मारा, पर मेरी तलवार तो आपने ही छुपाई है ना? कहाँ है मेरी तलवार? हमें कैसे पता होगा? और अगर पता भी होता तो हम आपको बताते नहीं, क्योंकि क्योंकि आप बड़े बुरे हैं। मुझे मेरी तलवार लौटा दीजिए, वरना सचमुच मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप हमें डराने का प्रयास करेंगे तो हम आपकी शिकायत आप ही की आई से करेंगे। देखिए, आपकी तलवार। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आपने छोड़ दी थी। धन्यवाद। तलवार हाथों में लेकर कौन से युद्ध पर जा रहे हैं जामई बापू? घर में नामकरण का उत्सव होने वाला है। अब तो चिमना का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सारी व्यवस्था आपको अकेले ही देखनी होगी। जब हमारे लोग हमारा गांव पीड़ित हो तो मैं उत्सव कैसे मना सकता हूँ? हमारी संस्कृति में तो अपने चौखट पर दिया भी ऐसे रखा जाता है कि सिर्फ अपना घर ही नहीं पड़ोसी का घर भी रोशन हो। अपनी रोटी खाने से पहले दरवाजे पर आवाज दी जाती है कि कहीं किसी को इस अन्न की हमसे अधिक आवश्यकता तो नहीं, और आप कह रही हैं कि हम इस विपत्ति काल में उत्सव मनाएं। जब तक मैं अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देता तब तक नामकरण का उत्सव नहीं होगा। मैं बाजी के निर्णय से सहमत हूं।